Welcome back, everyone. Today, our topic is using Lightroom app for editing and post-processing. So now that you know how to use Adobe Lightroom app for photography, now let's have a look at the app again for post-processing and editing your images. Alright guys, अभी हमने एक इमेज लिया है, अब हम उसको एडिट करते हैं. तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस फोल्डर्स लाइटरूम आपको शो करेगा. उसके बाद आप अपने जो इमेज है उसको ढूंढ के यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन एड. सो नाउ दिस इमेज इज इम्पोर्टेड इन टू योर लाइटरूम ऐप. सो दीज आर द इमेजेस यू हैव जो आपने अभी लाइटरूम से लिए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस इमेज को एडिट करते हैं तो इस इमेज को एडिट करने के लिए आप क्लिक करेंगे, द इमेज विल ओपन ऑटोमेटिकली. नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर जो नीचे बॉटम पे दिए हुए हैं. इसमें सबसे पहले है क्रॉप. सो क्रॉप इज़ बेसिकली यू वॉन्ट टू क्रॉप दिस, तो आप इसको क्रॉप करने के लिए रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसको यूं जूम करके भी क्रॉप कर सकते हैं. But let's say you don't want to crop your image abhi filhal because it's looking fine. So just leave that. Profiles mein basically aap jayenge to bahut sari already color ki profiles inhone by default rakhi hui hain iske andar. So you can select any profile you're interested in. But for now I will stick to Adobe colors only. So after that you have this button auto. Auto kar denge to automatic iske upar फंक्शंस वो अप्लाई कर देगा, सेटिंग और फिल्टर्स अप्लाई कर देगा विच यू डोंट वांट. तो इसको अनडू कर लेते हैं हम, ठीक है. एंड नाउ आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं लाइट है. लाइट पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं एक्सपोजर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. आप इसको अंडर एक्सपोज कर सकते हैं, ओवर एक्सपोज कर सकते हैं विच यू डोंट वॉन्ट टू. तो एक्सपोजर को बेसिकली आप तब छेड़ा करें जब आपको लगता है कि पिक्चर का एक्सपोजर वाकई ही छेड़ने के काबिल है. अदरवाइज डू नॉट एक्सपोजर को बिला वजह आप ना चेंज करें. कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, तो ये थोड़े से कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर कलर्स का इंक्रीज़ हो रहा है. हाइलाइट्स ऑलरेडी कम हुई हुई हैं. शेडोज़ आप देखते हैं, शेडोज़ भी इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं. ये शेडोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेडोज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं. वाइट्स जो पिक्चर के अंदर वाइट्स हैं बेसिकली उसको मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ लेफ्ट पे जाके, राइट पे जाके वाइट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते. सो छोटी छोटी इसमें हमने चेंजेस करनी है, छोटी छोटी ट्यूनिंग्स करनी है विच ओवरऑल क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट. ये ब्लैक्स इंक्रीज हो रहे हैं या ब्लैक्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो दिस लुक्स फाइन यहाँ पर जाके. अच्छा, इसके बाद लाइट के बाद आगे बढ़ते हैं तो अनदर ऑप्शन इज टेम्परेचर. कलर वाइट बैलेंस का टेम्परेचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये वार्मर हो रहा है, ये कूलर हो रहा है. सो अगर आप टेम्परेचर जो आपने जिस टेम्परेचर पर पिक्चर ली थी, इफ़ यू आर फाइन विद दैट जस्ट डोंट चेंज द टेम्परेचर. टिंट में भी ये पिक्चर के कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं विच यू डोंट वांट फॉर नाउ. वाइब्रेंस इंक्रीज करने से कलर्स इन्हेंस हो जाते हैं. सैचुरेशन इंक्रीज करने से कलर की क्वान्टिटी इंक्रीज हो जाती है पिक्चर में. हाईली सैचुरेटेड इमेजेस नहीं अच्छे लगते, तो स्लाइट चेंजेस हम करेंगे सबके अंदर, स्लाइट चेंजेस सो दैट थिंग्स लुक गुड. उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज. टेक्सचर इज़ बेसिकली इंक्रीज इन केसेस ऑफ मैक्रो फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अगर टेक्सचर इंक्रीज़ करो. यहाँ पे भी आप टेक्सचर इंक्रीज़ करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट हो रहा है, क्रिस्प हो रही हैं चीज़ें, और टेक्सचर रिड्यूस करने से थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं चीज़ें. सो आप थोड़ा सा इफ़ यू वॉन्ट टेक्सचर इंक्रीज़ कर दें. क्लैरिटी अगेन, क्लैरिटी इज़ बेसिकली जो आपका ओवरऑल इमेज है वो क्लियर कर देता है. ये मैं इसकी क्लैरिटी डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं सब चीज़ें सॉफ्ट और ब्लर हो गई हैं. यहाँ पर क्लैरिटी इंक्रीज़ करने से चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं. सो बेसिकली क्लैरिटी ये होता है कि ह्यूमंस फोटोग्राफी कर रहे हैं आप तो क्लैरिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया करें बिकॉज स्किन, ह्यूमन स्किन सॉफ्ट लगती है एंड पीपल लाइक दैट. डीहेज से आप देखते हैं, मैं डीएस इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर विच यू डोंट वांट. तो डीएस को यूजुअली मैं तो नहीं छेड़ता बिकॉज इट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल. विनय इफेक्ट जो है उसके लिए आप ये वाइट विनय एंड
ब्लैक अगेन इफ यू वॉन्ट टू डू दैट डू इट अदरवाइज आई डोंट डू दिस ओके सो आफ्टर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन अदर ऑप्शन लाइक मिड पॉइंट ये विनय का इफेक्ट चेंज कर रहा है फेदर राउंडनेस ये सारे उसके विनय के इफेक्ट्स हैं तो ये अगर आप चाहें तो अनडू कर सकते हैं इफ़ यू नॉट हैप्पी विद दीज इफेक्ट्स ओके तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो है बेसिकली डिटेल का तो शार्पनेस इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है इसमें तो मैं जितना राइट पे इसको लेके जाता जाऊंगा शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगी रेडियस इसका इंक्रीज करूंगा डिटेल इंक्रीज करूंगा तो इफ़ यू टेकिंग कैप्चरिंग लैंडस्केप्स बेसिकली व्हेन यू शूटिंग नेचर एंड ऑल सो डू इंक्रीज द शार्पनेस इट लुक्स वेरी नाइस एंड नॉइज रिडक्शन इज बेसिकली डन व्हेन यू शूटिंग ह्यूमन सो यू डोंट वॉन्ट के उनकी स्किन या जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होने की वजह से पोर्स नज़र आने शुरू हो जाए सो यू डोंट वॉन्ट दैट तो नॉइज़ रिडक्शन उस सूरत में यूज़ की जाती है विच आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट राइट नाउ फिर अगेन बहुत सारे ऑप्शन हैं आई जस्ट वॉन्ट कि आप जब ये लाइट रूम ऐप एक्सप्लोर करो ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करो यू विल कम टू नो दैट इनके साथ क्या क्या किया जा सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं यू हैव ऑप्टिक्स ऑप्शन यू कैन रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन जो कैमरे का लेंस एरर होता है बट इफ़ यू आर वेरी फिनिकी एंड टेक्निकल अबाउट योर फोटोग्राफी तो ये तब ऑप्शन आप यूज़ करें अदरवाइज ये जो स्टार वाले ऑप्शन है ये अपग्रेड ये कहता है कि अपग्रेड करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे आगे देखते हैं तो ये कुछ कलर प्रोफाइल्स हैं जो पहले भी मैंने पिक्चर लेने से पहले भी सेट की थी ये बाद में भी की जा सकती है तो प्रीसेट्स थे प्रीसेट्स के बाद वर्जन हैं यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स इन इट इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइट रूम जो आप डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं सो वंस यू आर हैप्पी विद द इमेज यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन शेयर का एंड क्लिक ऑन सेव टू डिवाइस सेव टू डिवाइस से ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और शेयर करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप शेयर कर सकते डायरेक्टली बट इन माई केस आई यूजली सेव इट टू डिवाइस फर्स्ट तो ये अब डिवाइस पे एक्सपोर्ट हो रही है फ़ोटो सिंस ये हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन पे काम किया हमने सो इट विल टेक सम टाइम ओके सो फोटो इज़ एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली ओके उसके बाद अगर मज़ीद वो शेयर का ऑप्शन आप देखें तो उसके अंदर शेयर टू के अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं सो शेयर टू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास व्हाट्सएप है फेसबुक है स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक की इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं ये एग्जैक्टली वही ऑप्शन है जब आप कोई इमेज शेयर करना चाहें एक्सटर्नली तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं बट यू डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज ये सब आप खुद मैनुअली भी कर सकते हैं सो दिस इज इट गाइस अबाउट द लाइट रूम एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग सो दिस इज एंड ऑफ द सेशन सी यू नेक्स्ट वीक टिल देन टेक केयर